हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड से डी फोर कितना होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आठ आएगा। आपके मन में सवाल उठेगा, गुरुजी यार ये आठ कैसे आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। पर ऐसे और भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने अपलोड कर रखी है, आप आईटी पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट पेन में भी मिल जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सुनिए, पे हमारे पास ट्रिक होती है कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू डीएन आर टू एन, मतलब जो डीएन का ऑर्डर होता है उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होते हैं, तो टू एन हमारे पास यहां पे क्या होंगे, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होंगे। तो यार आपके मन में सवाल उठेगा कि सर जी यार ये डी थ्री है तो यहां पर सिक्स हो जाएंगे, पर कैसे होंगे करके बताओ। तो सुन यहां पे उसके लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म आना जरूरी है और वही हम यहां पे यूज करेंगे। पर पहले मैं आपको थोड़ा सा डी थ्री के बारे में आइडिया देना चाहता हूं कि यार डी थ्री एक्जेक्टली होता क्या है। तो डी थ्री हमारे पास डी हाइड्रल ग्रुप होता है। अगर आपने डी हाइड्रल ग्रुप के बारे में नहीं पता है और इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो आप आई टी पे जाके, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि डी हाइड्रल ग्रुप क्या होता है, या यूट्यूब पर जाके आप सर्च करोगे तो सबसे पहले मेरा वीडियो दिखेगा, वहां पर जाके देख लो, मजा आ जाएगा। राइट, अब डी थ्री के बारे में बताना चाह रहा हूं कि डी थ्री हमारे पास जो होता है वो किस टाइप का होता है। सुनिए, आता है यहां था ए स्क्वायर एंड यहां पे हमारे पास आएगा बी बी स्क्वायर और ये बराबर आइडेंटिटी आ जाएगा और ये बी क्यूब हो जाएगा। फिर इस ए को हम यहां से करते हैं तो ए बी एंड ए बी स्क्वायर। सुन, ये हमारे पास क्या होता है, इसके एलिमेंट होते हैं। अगर इसके सब ग्रुप की बात करी जाए तो इसका जो सब ग्रुप होते हैं, एक तो ये होता है आइडेंटिटी, है ना, एक हमारे पास होता है आइडेंटिटी के साथ टू ऑर्डर का एलिमेंट, दैट इज आइडेंटिटी ए, एक हमारे पास होता है आइडेंटिटी के साथ ए बी एंड एक हमारे पास होता है सुन एच फोर, दैट इज आइडेंटिटी के साथ ए बी स्क्वायर, और एक हमारे पास होता है एच फाइव जिसके अंदर बी बी स्क्वायर और आइडेंटिटी हो जाएगा, है ना, बी एंड बी स्क्वायर ये हमारे पास हो जाएगा, और एच सिक्स जो होता है वो खुद हमारे पास क्या होता है सुन डी थ्री होता है। तो ये हमारे पास टोटल क्या होता है, इसके डी थ्री के सब ग्रुप होते हैं। अब हम क्या करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे यूज करते हैं। सुन, ये हमारे पास डी थ्री के सभी सब ग्रुप होते हैं और एच वन एंड एच फाइव एंड एच सिक्स यहाँ पे क्या होते हैं, इसके नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। अब सुन, यहाँ पे बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के। तो सुन, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो भी जेड दे रखा है इसके हम नॉर्मल सब ग्रुप लेते हैं, तो जेड के नॉर्मल सब ग्रुप हमारे पास जेड होता है, टू जेड होता है, थ्री जेड होता है, फोर जेड होता है, बहुत सारे हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। तो सुन, जेड अपॉन जेड लेते हैं, तो जेड अपॉन जेड वन जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है जेड वन के, मतलब आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास डी थ्री का क्या हो रहा है सुन सब ग्रुप हो रहा है। तो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म क्या करेंगे सुन, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड वन लेंगे और इसका जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास वन होता है, राइट, तो ये हमारे पास वन हो जाएगा। अब लेंगे जेड अपॉन टू जेड, सुन जेड अपॉन टू जेड जो होता है वो जेड टू के आइसोमॉर्फिक होता है और जेड टू जो होता है वो डी थ्री का सब ग्रुप होता है, क्योंकि तीन हमारे पास जो होते हैं वो जेड टू टाइप के होते हैं डी थ्री के अंदर, राइट। तो हम क्या करेंगे सुन, ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड टू लेंगे, तो चूंकि हमारे पास जेड टू तो टू ऑर्डर का सब ग्रुप है तो ये यू टू आएगा और यू टू की वैल्यू वन आती है, पर ऐसे तीन है तो सुन थ्री इंटू वन आ जाएगा, तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सुन, जेड अपॉन थ्री जेड, और जेड अपॉन थ्री जेड जो होता है वो जेड थ्री होता है, और जेड थ्री जो होता है वो भी डी थ्री का सब ग्रुप होता है, ये है ना, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। और हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड थ्री, और चूंकि एक ही होता है और हम जानते हैं किसके बराबर होगा सुन, फाइव थ्री, याद है ना, इसका ऑर्डर फाइव थ्री के बराबर होता है और फाइव थ्री हमारे पास टू हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट लेंगे, अब जेड अपॉन फोर जेड ले ले, तो यार जेड फोर, जबकि जेड फोर डी थ्री का सब ग्रुप नहीं होता, बाकी हमारे पास कोई भी इसके सब ग्रुप नहीं मिलेंगे, सिर्फ हमारे पास ही मिलेंगे, तो टोटल हमारे पास कितने आ रहे हैं, तीन और एक चार और दो छः, तो छः हमारे पास टोटल यहाँ पे क्या आ रहे हैं, लाइक नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म आ रहे हैं। तो यार इस तरह से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं और छः ही इसका क्या होता है हमारे पास ऑर्डर होता है, दैट इज टू इंटू थ्री, क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। इस टाइप से जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू डी फाइव, तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डी फाइव का जो ऑर्डर होता है वो टू इंटू फाइव होता है, दैट इज टेन, तो यार नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमारे पास क्या मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे। तो यार इस तरह से इसको हम यहां पे सॉल्व करते हैं। तो सुन यार ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना, और इसको सॉल्व करने में आपको कितने मिलीसेकंड लगे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही और भी शॉर्ट ट्रिक है वो आप यहां जाके देख सकते हैं, और मेरे नए वाले चैनल को यहां जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहां जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।